Hello aspirants, welcome to Nirvana classes. So today's class is gonna be on the topic constitutional amendments till 2023. Okay, 2023 तक जितने भी constitution में amendments हुए हैं, यानी constitution को जिसमें जिसमें हमने बदलाव किए हैं, जितने भी किए हैं, वो सारे के सारे इस class में हम discuss करेंगे. ये class UPSC के students होगी aspirants है, या फिर वो अगर SSC के aspirants है, या CDS है, जितने भी one day exams के aspirants होते हैं, उन सबके लिए important है. अगर आपके exam में polity आती है तो ओके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये पर्टिकुलर चीज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई है. फॉर एग्जांपल अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो 2016 में जीएसटी आई है. ओके और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 101 से. तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज 14 जुलाई है, आज के लिए दो अपडेट. पहली अपडेट कि आपका एसएससी का एग्जाम सीजीएल का एग्जामिनेशन आज से स्टार्ट हो चुका है. आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी से हो चुकी होगी, आप रिवीजन कर रहे होंगे जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले टाइम में है. और दूसरी अपडेट कि आज एक करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए. 14 जुलाई आज का डेट क्या होने वाला है? चंद्रयान 3 का लॉन्च. ओके मैं C3 लिख रहा हूँ. आज चंद्रयान 3 का लॉन्च होने वाला है जो कि आपका होगा 2:45 PM पे. ओके 2:45 PM तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखना है. बस मेरे दिमाग में था तो मैंने आपको बता दिया. क्लियर है? चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं. अगर आप यूपीएससी के लिए स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और एसएससी के लिए तो बेनिफिशियल है ही. क्लियर है? चलो देखो आर्टिकल बात करते, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात सीधा करता है आर्टिकल 368, मतलब अमेंडमेंट की, सॉरी. ओके आई मीन अमेंडमेंट. जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, संशोधन की बात करते हैं, ओके तो वो अमेंडमेंट की बात जो है आर्टिकल 368 करता है. आर्टिकल 368 जो है स्टूडेंट्स, वो पार्ट 20 का पार्ट है. ओके पार्ट 20 के अंदर आता है. ओके क्लियर है? और हाँ एक बात और, जो भी बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है, तो उसमें मैं बता दूं कि पार्ट 20 जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, ओके जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको याद करने का तरीका मैंने वहां बताया हुआ है पिछले क्लास में. एक ट्रिक है, ओके बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है ताकि आप इजिली उसको याद कर सकते हो. अगर आपने कम से कम एक दिन भी, एक डे में अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और कम से कम 5 बार रिवाइज कर लिया, आपको सारी की सारी चीजें मुंह जबानी याद हो जाएंगी. समझ में आ रहे? तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए ना. मैं यहीं पे आई बटन में आपको लिंक जो है पिन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा. क्लियर? चलो तो आर्टिकल की, जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की. ओके एक और बात, एक वर्ड आपको दिख रहा है बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 की मदद से चेंज कर सकती है. नो डाउट आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. ओके बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं. ओके बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं. समझ में आ रहा है ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था? दैट इज, दिस इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर. ओके नाउ ये केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में. इसको लेके और एक और फैक्ट बताता हूँ कि ये इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको याद रखना, ये भी फैक्ट है, एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा गया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं. तो केशवानंद भारती केस 1973, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? चलो ऐसे ही फैक्ट की बात करते रहेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते रहेंगे. नाउ अब देखो, मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ने के लिए है. इसकी पीडीएफ, इस पूरे पीपीटी की जो पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. ओके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन होगा, या फिर आपको लास्ट में मैं बता दूंगा. समझ में आ रहा है? चलो तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1951 में, इसमें क्या था? देखो रीजन क्या थे, रीजन की बात करते हैं तो टू रिमूव सर्टेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय कोर्ट डिसीजन सेवरल केसेस. ओके बहुत देखो उस टाइम पे ना, देखो नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी कई सारी चीजें, कई सारे डाउट्स आएंगे लोगों को, है ना. जब कोई भी चीज नई बनती है तो वो परफेक्ट बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है, तो उस टाइम पे परफेक्शन नहीं था हमारे पास. ओके तो कई सारे अमेंडमेंट्स करेंगे हम, चेंजेस करेंगे ताकि हम उसको परफेक्ट बना सके. क्लियर है? यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी जाएगी, जमींदारी लैंड के बारे में बात की जाएगी, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था वगैरह वगैरह. ओके उसके बारे में. तो यहाँ पर क्या है अमेंडमेंट में क्या होता है वो देखते हैं. एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. यहाँ पर ये बोला गया कि एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा. ओके स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन, मतलब बोल सकते हैं कि स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं किसको? सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को. लेकिन यूपीएससी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सोशली और इकोनॉमिकली बात की गई है, सोशली इकोनॉमिक एजुकेशन की बात नहीं की गई है. ध्यान सुनो, सोशली इकोनॉमिकली नॉट एजुकेशनली. ओके ना प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स. ओके सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? एडेड 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. 9 शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर कितने शेड्यूल्स हैं? 12.
12 शेड्यूल है ओके okay? और फर्स्ट मिनिमम टैक में हमने 9 शेड्यूल को ऐड किया था, जिसमें हमने बोला कि 9 शेड्यूल में अगर हम कोई भी टॉपिक डाल देते हैं या कोई भी लॉ जो है बनाकर डाल देते हैं तो क्या होता है, उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसका मतलब जुडिशियरी कैन नॉट रिव्यू दैट लॉ, जुडिशियरी उसमें नल है, वॉइड है, नहीं अच्छा है, खराब है, कुछ कोई भी कमेंट नहीं कर सकती है। मैं जितनी लेम भाषा हो सकती है, जितनी आसान भाषा हो सकती है उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ओके okay? नाउ आर्टिकल 31 के बाद आर्टिकल 31A और 31B भी उसमें डाले गए थे ओके okay? और क्या हुआ इसमें, और क्या देखो, एडेड 3 मोर ग्राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो ग्राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि आप वो किसी भी हाल में आपसे छीना नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल राइट के भी अपने ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट रहेगा तो क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन क्या होगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। मतलब आपका जो मन कर रहा है आप कर रहे हैं, जिसको मन गाली दे रहे हैं आप कल को जाके प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, है ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट जब हो जाएगा तो क्या होगा ओके okay, तो कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना। मतलब अगर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप रस्ते में चल रहे हो, चल रहे थे, कोई भी आपको दिख रहा है आप गाली दिए जा रहे हो, ये गलत है राइट, मॉरल डिसेंसी इसमें नहीं है, है ना। तो इसीलिए हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है, कुछ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर 3 और ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऐड किए गए थे, कौन कौन से, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब डिसेंसी के बारे में जो मैंने बात की, मॉरल डिसेंसी ओके। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, आप देखो अब मान लो कल को ऐसा हो कि आप अमेरिका को गाली देने लग जाओ, अब अमेरिका से मान लो हमारे अच्छे रिलेशन है, मान लेते हैं है तो नहीं बट मान लेते हैं ओके, क्योंकि अमेरिका सिर्फ पैसे देखता है, तो मान लेते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो और क्या आप उनको गाली देने लगो तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन होना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ओके। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप किसी ऑफेंस के लिए मतलब बोलते हैं ना भड़काऊ भाषण दे दो, आप कहीं चले जाओ और सबको क्या करो, भड़का दो लोगों को, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, उल्टा पुल्टा सी बात बोल दो, जिससे रायट हो जाए, जिससे कंट्री में वॉयलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाए ओके। तो वो चीजें आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है जो कि ऐड किए गए थे ओके। ऑल्सो इट मेड द रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल एंड दस जस्टिसेबल नेचर ओके। और ये जो रिस्ट्रिक्शन होंगे वो रीजनेबल है, जस्टिसेबल नेचर में है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करोगे तो रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, ये हो रहा है। तो दो चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। पहली क्या, एम्पावरमेंट, स्टेट को एम्पावर किया गया कि वो प्रोविजन बना सकती है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तीसरा क्या है, 9 शेड्यूल ऐड किया गया ओके, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है ओके। फिर क्या बोला गया, क्या 3 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऐड किए गए ओके। नाउ प्रोवाइडेड दैट द स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड ऑफ बिजनेस बाय स्टेट इज नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू ट्रेड ऑफ बिजनेस ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो ध्यान देना नहीं है। मेन आपको 3 चीजें याद रखनी है, ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ ओके। चलो आई होप फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट के बाद आते हैं फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट पे ओके। फर्स्ट के बाद आते हैं फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1955 में आया था, 1955 में ओके। फर्स्ट अमेंडमेंट रखा हुआ था 1951 में ओके। इसमें क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंक्लूडेड सम मोर एक्ट्स इन 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में और सारे एक्ट्स जोड़े गए ओके, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। चलो फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। देखो ये अमेंडमेंट्स, देखो मैं आपको ना बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्या पूछता है। अमेंडमेंट में बहुत सारी फलना फलना चीजें डाली गई थी, हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें लॉ का एग्जाम नहीं देना है, हमें क्या देना है, SSC देना है, हमें UPSC का प्री देना है। तो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए क्या मेनली क्या क्या चीजें हुई थी। हम लॉ का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ये लॉ का एग्जाम के स्टूडेंट के लिए है भी नहीं, तो अगर कोई लॉ का स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज मत देखो, ये आपकी वीडियो नहीं है ओके। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया, इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो रीजन क्या है, टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमिटी। देखो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट क्या था ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट बनाया गया था ताकि स्टेट्स को रीऑर्गनाइज किया जा सके ओके। रीऑर्गनाइज का मतलब क्या है, उस टाइम पे काफी बड़े बड़े स्टेट्स थे, अब बड़े बड़े स्टेट्स को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन करना काफी मुश्किल था, इसलिए बोला गया कि स्टेट का रीऑर्गनाइजेशन किया जाए। रीऑर्गनाइजेशन करने का 2-3 रीजन था। पहला रीजन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज है ना, ताकि आसानी से छोटे छोटे स्टेट रहेंगे तो संभालना आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। दूसरी क्या थी कि जो लोग सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सेम लैंग्वेज को बिलोंग लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों को एक जगह पर रखा जाए, क्योंकि अरे एक अगर सिमिलर कल्चर के लोग एक जगह रहेंगे तो काफी अच्छे से काफी खुश रहेंगे, लड़ाइयां कम होगी है ना, इस रीजन से। तो ये था स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, ये लाया गया था। अमेंडमेंट में क्या होता है, 2nd and 7th शेड्यूल को अमेंड किया गया था इसमें ओके। और क्या किया गया, इसमें बोला गया एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी।
ओके अब बोला गया कि हाई कोर्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी की जो यूनियन टेरिटरी के जो केसेस है उसको भी देख सकते हैं, समझ में आ रहा है? ओके नाउ प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ हाई कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। यहाँ देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे एसएससी में क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, तो यस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 इट इज पॉसिबल दैट द टू और मोर स्टेट्स कैन हैव अ सिंगल हाई कोर्ट। ओके तो यहां पे दिया गया था, याद रखना है, समझ में आ रहा है? प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ओके ये एडिशनल हाई कोर्ट जजेस वगैरह मेन यहाँ पे यही था फोर्थ वाला। ओके कि एक से ज्यादा स्टेट्स के हाई कोर्ट सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट। देखो जैसे जैसे क्लासेस चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक चीज जो भी छोटा मोटा फैक्ट आएगा मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले पढ़ा नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके मैं हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक आर्टिकल समझाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। ओके चलो वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960। ओके पहला आया था 1951, फिर 54 सॉरी 55, फिर 56, फिर 60। नाउ रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या था? आफ्टर द नेहरू अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिवाइड द टेरिटरी ऑफ बेरुबरी यूनियन, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अपोज्ड इट। ओके आफ्टर दिस यूनियन रेफर टू मैटर टू सुप्रीम कोर्ट व्हिच हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली बात करते हैं अमेंडमेंट क्या हुआ वो उसके बारे में बात करते हैं। देखो facilitated the cession of the Indian territory of Beribari Union located in West Bengal to Pakistan as provided in Indo-Pakistan Agreement 1958. 9th Amendment Act में क्या किया गया? 9th Amendment Act में ये बोला गया कि Indian territory जो है, okay, वो किसी भी Beribari Union के जो कि West Bengal में जगह है, okay, उसको Pakistan को provide कर रही है, मतलब दे रही है। देखो Article 3 जब हम बात करते हैं, Article 3 बोलता है कि India किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकती है, ओके सीड कर सकती है, मतलब अपने अंदर ले सकती है, बट देने की बात नहीं की गई थी। ओके तो इसलिए अमेंडमेंट किया जाता है और यहां पर बोला जाता है कि ये इंडियन टेरिटरी जो है वो बेरुबरी यूनियन को दे दिया जाए। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा, जो बच्चे आर्टिकल 3 पढ़े हैं। आर्टिकल 3 में ये बोला गया था कि हम मान लीजिए ये इंडिया है और ये कोई नेबरिंग कंट्री है। आर्टिकल 3 में ये बोला गया कि इंडिया चाहे तो इसको इस टेरिटरी को अपने अंदर एक्वायर कर सकती है, ओके किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है या फिर अपने बाउंड्री बढ़ा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ लेने की बात थी, देने की बात नहीं की गई थी आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में देने की कोई बात नहीं कही गई कि इंडिया अपना टेरिटरी किसी को दे रहा है। ओके और यहां पर जब ये अग्रीमेंट हुआ, नेहरू नूनो अग्रीमेंट हुआ, तो इसमें बोला गया कि बेरुबरी यूनियन का जो प्लेस है जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसको पाकिस्तान को दिया जाए। ओके इसको पाकिस्तान को दिया जाएगा, ऐसा बोला गया नेहरू नूनो अग्रीमेंट में। अब यहां पर कुछ लोगों को और कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पाकिस्तान सर कहां है और आपका वेस्ट बंगाल कहां है, तो एक बात मैं बता दूं कि ये मान लीजिए इंडिया है, इस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल था वो क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट पाकिस्तान। व्हाट वी से, वी से ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट बंगाल, उस टाइम पे ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। ओके बाद में हमने बांग्लादेश को, बाद में हमने हमने लड़ाई करी थी पाकिस्तान के साथ और बाद में बांग्लादेश बना था, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे। तो यहां पर बात ये हो रही है कि बेरुबरी यूनियन का जो जगह है वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब नेहरू जी ने ये बोला कि अगर देना है तो आर्टिकल 3 से दे सकते हैं, बट यहाँ पर बात हुई कि आर्टिकल 3 में तो ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हम किसी को अपना टेरिटरी दे दें, तो इसके लिए ही हमें क्या करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा। और अमेंडमेंट करने के बाद हमने क्या किया, हमने बेरुबरी यूनियन का जो लोकेशन है या फिर जो प्लेस है वो हमने पाकिस्तान को दे दिया। समझ में आया? ये 9th अमेंडमेंट एक्ट था, क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर। देखो मैं स्लो जा रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप फास्ट करके देख सकते हो रिविजन के लिए, बट मैं समझाने के बेसिस पर स्लो जा रहा हूँ, मैं हर एक चीज हर एक आर्टिकल समझाते जाऊंगा बिना किसी दिक्कत के। हाँ 10th अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। ओके इसमें क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर नगर हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी कंसिक्वेंट टू एक्विजिशन फ्रॉम पोर्तुगल। देखो 1961 में क्या हुआ कि हमने पोर्तुगाल, ओके पोर्टुगीज से दादर नगर हवेली का जो एरिया है वो हमने छीन लिया, हमने एक्वायर कर लिया। ओके इंडिया, मतलब इंडिया ने एक्वायर कर लिया और हमने क्या किया, हमने दादर नगर हवेली को क्या किया, एज अ यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, मतलब उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है हमने दे दिया, और इसीलिए हमने 10th अमेंडमेंट एक्ट किया था 1961 में। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं 11th अमेंडमेंट एक्ट की। 11th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1961 में ही आता है, उसी साल। उसमें क्या होता है,
change the procedure of election of the vice president by providing for an electoral college instead of a joint meeting of two houses of parliament. देखो वाइस प्रेसिडेंट पहले जो इलेक्ट होते थे वो होते थे किसे, वो होते थे जॉइंट मीटिंग से, ओके जॉइंट मीटिंग से, लेकिन 11th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि अब से जॉइंट मीटिंग नहीं होगी दोनों हाउसेस की वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, अब क्या होगा, अब एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें कुछ लोगों को चुना जाएगा और वो लोग वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, provided that the election of president or vice president cannot be challenged on the ground of any vacancy in the appropriate electoral college. ओके क्या बोला जा रहा है कि अगर हमें इलेक्शन करना है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्या कोई भी ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द एप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज। ओके क्लियर है यहां तक बात। नाउ बात करते हैं 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 का, इसमें क्या होता है, इसमें इनकॉर्पोरेटेड, देखो इनकॉर्पोरेटेड गोवा दामन एंड दीव इन द इंडियन यूनियन, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको मेंशन कर दूं, आर्टिकल सॉरी 9th अमेंडमेंट एक्ट में हमने बात किया था दादर नगर हवेली का कि उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 12th में हम बात कर रहे हैं किसकी, गोवा दामन एंड दीव की, उनको इंडियन यूनियन में ऐड किया गया। अब बोलोगे सर गोवा तो इंडिया का पार्ट है फिर इंडियन यूनियन में ऐड करने का मतलब, क्योंकि ये लोग भी, ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये भी पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। ओके तो हमने उनसे लेकर क्या किया, इसको इंडियन यूनियन में ऐड कर लिया, समझ में आ रहा बात। चलो ओके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को कोई सोच रहा है कि नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये पीडीएफ जो है डाल दूंगा बिल्कुल बनी हुई अच्छी सी, है ना, ताकि आप आराम से वहां से पढ़ सको टेलीग्राम चैनल पे। नाउ 13th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, 13th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, गिव द स्टेटस टू ऑफ अ स्टेट टू नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ओके कि नागालैंड को स्टेट का स्टेटस कब मिला, तो ये 13th अमेंडमेंट एक्ट में मिला, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी मैंने आर्टिकल इतना पढ़ा दिया, मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ। ओके एसएससी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, ओके 1962 में देख रहे हो 12th 13th 14th तीन एक्ट हुए 1962 में और 61 में 11th और 10th। ओके नाउ 14th में क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी, अब देखो अभी तक क्या हुआ, दादर नगर हवेली इंडिया में आ गई है, गोवा दामन दीव इंडिया में आ गया है, अब आती है पुडुचेरी, पुडुचेरी भी इंडिया का पार्ट जो है बन जाती है फाइनली 1962 अमेंडमेंट एक्ट से। ओके प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा दामन दीव एंड पुडुचेरी। क्या बोला जा रहा है कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी, स्टेट की जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर बनाया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा दामन दीव एंड पुडुचेरी। क्लियर है बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 17th अमेंडमेंट एक्ट। 17th अमेंडमेंट एक्ट क्या है, प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। क्या बोला गया कि लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता है, लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता जो कि पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर है तब तक जब तक उस लैंड की मार्केट वैल्यू आपको कंपनसेशन में नहीं दी जाए। मतलब मान लीजिए आपके पास लैंड है तो आपकी लैंड को गवर्नमेंट नहीं ले सकती है तब तक जब तक कि गवर्नमेंट उस लैंड की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो आपको पे नहीं करती एज अ कंपनसेशन। ये था 17th अमेंडमेंट एक्ट। ओके और इसमें क्या हुआ, 9th शेड्यूल में अगेन 44 और एक्ट्स इसमें ऐड किए जाते हैं। क्लियर है। नाउ 18th की बात करते हैं, 18th में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, मेड इट क्लियर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट आल्सो इंक्लूड्स अ पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इट क्रिएटेड न्यू स्टेट्स नेमली पंजाब एंड। देखो बेसिकली मतलब क्या है इसका 18th का, कि अगर दो यूनियन टेरिटरी है उनको जोड़कर आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं। अगर कोई स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है तो इन दोनों को भी ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा सा स्टेट है उसको तोड़कर आप दो स्टेट बना सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जोड़कर घटाकर आप किस तरह से स्टेट बना सकते हैं, ये पावर दी गई किसको, पार्लियामेंट को। ओके और इस तरह से इसी तरीके से दो नए स्टेट्स बनते हैं, पंजाब और हरियाणा। आपको याद रखना है कि 18th अमेंडमेंट एक्ट से पंजाब हरियाणा फॉर्मेशन हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 इंक्लूडेड सिंधी एज 15th लैंग्वेज ऑफ 88 शेड्यूल। ओके 8th शेड्यूल की बात करते हैं तो 88 शेड्यूल क्या है, 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेजेस मिलती है। क्या मिलती है, लैंग्वेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू।
जो बच्चे एसएससी के देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत बार पूछा गया है कि लैंग्वेज किस शेड्यूल में आता है, तो आपको बताना है बिना किसी दिक्कत के कि आयुष सर से हमने पढ़ा है 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस आते हैं। ओके, शेड्यूल के शेड्यूल का जो है ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, जो मैंने क्लास आपको बताई हुई है उसमें, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड, मैं लिख नहीं पा रहा सॉरी, ऑफ ओल्ड पीएम, क्लियर है? ये सारे 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स के बारे में ये क्या है, निमोनिक्स है, आप याद कर सकते हो इस तरह से, मैंने बताया हुआ है। प्लीज ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, उसको जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो यार देखो मेरे हिसाब से वीडियो लंबी करने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो को यहीं से रखते हैं। ओके तो यार वीडियो को यहीं से रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक एक्ट में जितने भी आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं या शेड्यूल्स इंक्लूडेड हैं, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो एपिसोड 1 रखते हैं इसको। ओके, एपिसोड भी 2 भी मैं जल्दी डाल दूंगा, टेंशन मत लो, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ मैं डाल दूंगा, पूरा जो अमेंडमेंट है वो पढ़ा दूंगा 105 तक। ओके चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको इस पूरे पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम माइंड के नाम से है। ओके, याद रखना GOVTEXAMIND नाम है हमारे चैनल का, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको एसएससी रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो इजिली। आपको जीएस का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको वो पेड पीडीएफ है एक्चुअली, बट वो फ्री में हमने अवेलेबल कराया आपके लिए, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। ओके, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो फॉर अपडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।